Dear students, Krishna Lal College, Kamal Kuchumalpur के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं BAMM की फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट पर टेंस टॉपिक के अंतर्गत फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो मैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की विधि बताई थी, कुछ वाक्य भी मैंने बनवाए थे, और इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस आपके सामने बना रहा हूँ। और उन्हें बनाने की क्या बात पैटर्न है, उन्हें किस प्रकार से बनाना है, ये मैं अपनी प्रैक्टिकल वीडियो जैसे पहली वीडियो थी उनमें बता चुका हूँ। अब प्रैक्टिकली एक एक सेंटेंस को हम अलग अलग बनाएंगे। जैसा पहला सेंटेंस आता है, हम यह कार्य दोपहर से पहले कर चुके हैं। पहला सेंटेंस आया, हम यह कार्य दोपहर से पहले कर चुके हैं। अब देखिए, पूरे सेंटेंस को पढ़ने के पश्चात पता चला हिंदी आवाज से चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेंगे, हिंदी वाक्य का पता चला। और इस वाक्य में सिर्फ एक ही पूर्ण क्रिया है, कार्य करना। तो यह वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें क्लॉज नहीं बनी। अब क्या है, हम यह कार्य को कर से पहले कर चुके हैं। कौन कर चुके हैं, हम क्या कहते थे, वी के साथ में देखा प्रयोग किया से है। और कब तक कर चुके हैं, दोपहर तक, बिफोर नून, बिफोर नून। अब इस वाक्य में सिर्फ एक पूर्ण क्रिया है, सेल है फिनिश। तो इस प्रकार से वाक्य हमारा सिंपल है और सिंपल के नियम लागू किए। बिफोर नून ये फ्रेज का कार्य करता बचा हुआ कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा वाक्य आता है, मैं कल तक यह पाठ याद कर चुकूंगा, मैं कल तक यह पाठ याद कर चुकूंगा। दूसरा सेंटेंस आता है, मैं कल तक यह पाठ याद कर चुकूंगा। ये वाक्य के अंत में चुकूंगा जो पका चुकी है आगे सब। अब कौन कर चुके हैं, मैं के साथ कहा आई सैल है लर्न। आई सैल है लर्न माय लेसन या दिस लेसन। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस भी बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आएगा, यह मूर्ख व्यक्ति इस साल के अंत तक अपना सारा धन अर्जित कर चुकेगा। यह मूर्ख व्यक्ति इस साल के अंत तक अपना सारा धन अर्जित कर चुकेगा। दिस पुलिसमैन विल हैव स्पेंट हिज होल मनी बाय द एंड ऑफ द ईयर। यह निर्धन लड़का सूर्यास्त से पहले अपने घर अवश्य ही पहुंच जाएगा। अब अनिवार्य का आगे कवि लव सैल ने ध्यान दे दिया, यह निर्धन लड़का सूर्यास्त से पहले अपने घर अवश्य ही पहुंच चुकेगा। दिस पुअर बॉय शैल हैव रीच्ड हिज होम बिफोर द सन सेट्स। सूर्यास्त से पहले, अर्थात सूर्यास्त होता है प्रेजेंट इंडिपेंडेंस, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनी, सबॉर्डिनेट क्लॉज को हम प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में बनाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस आएगा, तुम्हारी कलेंट्री 8 बजे से पहले
sir will have this football before आठ बजे तक भाई एट ओ'क्लॉक आठ बजे तक भाई एट ओ'क्लॉक आठ बजे तक माताजी के स्नान करने से पूर्व रसोईया मेरे लिए भोजन तैयार कर चुकेगा। अब हम कहेंगे कि रसोईया भोजन तैयार कर चुकेगा इससे पहले कि माताजी स्नान करती है। अब दोनों क्लासेज हमारे किधर होंगे टेंस किधर होंगे तो उसी वर्ग पैटर्न के अनुसार हम बाकी को बनाएंगे। माताजी के स्नान करने से पूर्व रसोईया मेरे लिए भोजन तैयार कर चुकेगा। रसोईया दी कुक विल हैव कुक्ड दी कुक विल हैव कुक्ड दी फूड फॉर मी बिफोर दी मदर बाथ्स। माताजी के स्नान करने से पहले तक माताजी स्नान करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की ट्रांसलेट कर सकते हैं। और देखिए जब हमने शुरू में टेंस पढ़ाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कुछ अलग था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कुछ और अलग था, फ्यूचर टेंस पे कुछ और था। इस प्रकार करते 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 आज हम तुम लोगों के सामने अलग अलग टेंस को पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ाया, फिर कंटिन्यूस को पढ़ाया, फिर परफेक्ट को पढ़ाया, इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ाया, पास्ट कंटिन्यूस को पढ़ाया, पास्ट परफेक्ट को पढ़ाया, ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट को पढ़ाया, फ्यूचर कंटिन्यूस को पढ़ाया, फ्यूचर परफेक्ट। तो कुल मिलाकर हमने तुम्हारे सामने नौ टेंस पूरे करा दिए, बचे तुम्हारे तीन टेंस। अब कल मैं इसके बारे में जो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद निगेटिव इंफॉर्मेटिव आते हैं इससे अगली वीडियो में मैं किस प्रकार